हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शीतल पटेल फ्रॉम थामणा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चलो बच्चों, आज हम EVS में चैप्टर 16 माई हाउस ये चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो चलो बच्चों, पहले क्या करना है, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड द चैप्टर माई हाउस। पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए और बताइए व्हाई डू वी लिव इन अ हाउस। हम घर में क्यों रहते हैं? बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, अनवांटेड एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड थीव्स। घर हमें ठंडी गर्मी बारिश से बचाता है। और बच्चों, हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं। तो कुछ हिस्सों में बहुत ठंड होती है, कुछ हिस्सों में बहुत बारिश होती है और कुछ हिस्सों में बहुत गर्मी होती है। तो वेदर के अकॉर्डिंग, तो बच्चों वेदर के अकॉर्डिंग घर बनाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। दिस इज अ स्टिल्ट हाउस। ये जो हाउस है कहाँ बनते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं? भूपेन जहाँ रहता है। तो भूपेन कहाँ रहता है? भूपेन लिव्स इन आसाम। तो आसाम में हैवी रेनफॉल होता है बच्चों, तो बाढ़ आती है। तो बाढ़ से बचने के लिए ऐसे जमीन से अबव द ग्राउंड 10 से 12 फीट की हाइट पर बाम्बू जो पिलर है, बांस के खंभे पर, बांस के सपोर्ट पर घर बनाए जाते हैं। ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे, और घर में एंटर होने के लिए लकड़ी की सीढ़ी भी बनाई गई है। और घर की जो छत है, जो रूफ है, वो स्लैंटिंग है, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो इजीली फ्लो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ सरक जाए। तो ऐसे टाइप के हाउस आसाम में देखने को मिलते हैं, जिसको हम स्टिल्ट हाउस भी बोलते हैं। ओके, और व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू भूपेन्स हाउस है? तो भूपेन जहाँ रहता है, तो उसके जो घर की छत कैसी है? तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, स्लांटिंग रूफ है। ओके, क्योंकि जो बारिश का पानी है इजीली जमीन पर उतर जाए। देन वी डिस्कस अबाउट स्टोन हाउस। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, दिस इज अ स्टोन हाउस, दिस इज अ हाउस ऑफ चमेली हाउस। तो चमेली कहाँ रहती है? तो चमेली हिली एरिया में रहती है, तो मनाली में रहती है, जहाँ हिली एरिया है तो वहाँ बर्फ, ठंड ज़्यादा होती है, स्नो होता है। तो जो स्नो गिरता है रूफ पर, वो इजीली फ्लो डाउनवर्ड्स। सो ऐसे टाइप के घर है स्टोन हाउस, हिली एरिया में दिखता है। देन दिस इज अ हाउस बोट। तो ऐसे जो हाउस है, हाउस बोट कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर कश्मीर एंड केरला। ओके, तो ये फर्स्ट पिक्चर में क्या है बच्चों? सिकारा। तो कश्मीर में जहाँ डाल लेक है, वहाँ सिकारा में लोग, जो पीपल है, टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ राइडिंग करते हैं। ओके, और दिस इज अ हाउस बोट। ध्यान से देखो बच्चों, और ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। दिस टाइप ऑफ हाउसेस वी कैन सीन इन बिग सिटीज। ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, क्योंकि सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन इज मोर एंड द स्पेस इज लेस फॉर लिव इन। सो इन अ सिंगल प्लॉट, एक सिंगल प्लॉट में ऐसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाए जाते हैं और पीपल, लोग रहते हैं। ओके, एंड दिस इज अ बुंगो। व्हाई डू पीपल ऑफ कच्छ बिल्ड बुंगो टू लिव इन? और कच्छ में बहुत गर्मी होती है, तो ऐसे टाइप के घर बनाए जाते हैं। और जो उसकी जो वॉल है, वॉल इज मेड अप ऑफ मड। ओके, एंड द रूफ इज कोटेड विथ ड्राई लीव्स। क्योंकि ऐसे टाइप के जो घर है बुंगो, कच्छ में, राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और क्या होता है कि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो जो मड की दीवार है वो क्या करती है, सन जो रेज है वो एब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है, गर्मी कम लगती है। और जब ठंड होती है तो जो वेदर है वो
कंफर्टेबल होता है, इसलिए कच्छ में ऐसे टाइप के भूंगो देखने को मिलते हैं। तो दूसरे अदर हाउसेस टेंट भी आपने देखा होगा, बंगलो टाइप का घर भी होता है। दूसरे बहुत सारे कारवा है जो व्हील पर, व्हील के सपोर्ट पर होता है। तो ऐसे आज के वीडियो में हमने देखा कि ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। ओके बच्चों, मैंने आपको PDF भेजी है और नोट टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन आंसर लिखा है, वो सभी आपको अच्छे से लर्न करना है। और लास्ट में मैं द फॉलोइंग स्नो हाउस को हम इग्लू भी बोलते हैं, डाल लेक कहाँ है तो कश्मीर में है, और डाल लेक में राइडिंग के लिए किस में राइडिंग करते हैं तो सिकारा में अभी हमने देखा, और ड्रिंक ऑफ कश्मीर में, कश्मीर में कौन सा ड्रिंक बहुत फेमस है तो कावा। ओके एंड अ बिल्डिंग विथ मैनी स्टोरीज, जिस जो मैनी स्टोरीज वाला बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और स्काई स्क्रैपर जो बड़ी बड़ी सिटी में होते हैं। ओके तो यहाँ पे ये